सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्ग ईआरपी ट्यूटोरियल, जिसमें आज के इस ट्यूटोरियल में हम ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के मॉडिफाई इशू ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के मॉडिफाई इशू ऑप्शन की हेल्प से जो ब्रेकेज एक्सपायरी इशू आपने क्रिएट किए होंगे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की जनरेटेड किसी भी एंट्री में किसी आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, या कोई आइटम को डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप मोर आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई इशू ऑप्शन की हेल्प से आप ये सभी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से मॉडिफाई इशू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन मॉडिफाई की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें नंबर फील्ड में आप वो डेबिट नोट नंबर मेंशन करेंगे जिसकी एंट्री को आपको मॉडिफाई करना है, देन एंटर करेंगे। देन इस फॉर फील्ड को एडिट पर सेट करेंगे एंड अगेन एंटर करेंगे तो ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न ऑल्ट्रेशन की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें अब आप मॉडिफाई टैब पर क्लिक करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक आप कोई आइटम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर्टिकुलर आइटम पर कर्सर लाएंगे एंड डिलीट की प्रेस करके उस आइटम को डिलीट कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई आइटम की क्वांटिटी आप इंक्रीज करना चाहते होंगे तो सिंपली उस आइटम पर स्विच करेंगे एंड क्वांटिटी फील्ड में जितनी क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी होगी वो कर लेंगे। इसी तरह से किसी आइटम की क्वांटिटी डिक्रीज करना चाहते होंगे तो डिक्रीज कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप मोर आइटम इसमें ऐड करना चाहते होंगे तो आइटम डिस्क्रिप्शन विंडो से आइटम सिलेक्ट करके ऑल्ट्रेशन विंडो में मोर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद आप सिंपली एंड की प्रेस करते जाएंगे और इस सेव चेंजेस विंडो को यस करके चेंजेस सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप ब्रेकेज एक्सपायरी इशू को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको अपनी जिस पार्टी का ब्रेकेज एक्सपायरी इशू एंट्री में मॉडिफिकेशन करनी है उसका डेबिट नोट नंबर याद नहीं है, या आप एक से ज्यादा रिटर्न एंट्रीज को व्यू या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस नंबर फील्ड को ब्लैंक करेंगे एंड एंटर करेंगे। देन कर्सर डेट फील्ड में स्विच करेगा जो बाय डिफॉल्ट कस्टम पर सेट होती है, जिसमें आप डेट रेंज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ड्रॉप डाउन से सेट कर सकते हैं कि आप किन एंट्रीज को व्यू और मॉडिफाई करना चाहते हैं, लाइक जो आज क्रिएट किए गए हैं, या यस्टरडे क्रिएट की गई एंट्रीज को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, या लास्ट वर्किंग डेट की, या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ की, या फिर ऑल टाइम मींस अभी तक क्रिएट हुई सभी रिटर्न एंट्रीज को आप व्यू करना चाहते हैं एंड सो ऑन। तो अभी हम इस फील्ड को ऑल पर सेट करते हैं एंड एंटर करते हैं। देन फिल्टर सेट कर लेंगे कि आप सिंगल लेजर मींस किसी पर्टिकुलर पार्टी की क्रिएट हुई एंट्री को व्यू करना चाहते हैं, या ऑल मींस अपनी सभी पार्टीज की क्रिएट हुई एंट्रीज को व्यू करना चाहते हैं, या फिर जिनके डेबिट नोट एडजस्ट हो गए हैं उन्हें व्यू करना चाहते हैं। तो हम ऑल सेट करते हैं एंड एंटर करते हैं। देन इस तरह से डिफाइंड सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न एंट्रीज की लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ से उस एंट्री पर एंटर प्रेस करेंगे जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते होंगे एंड सिंपली मॉडिफाई टैब पर क्लिक करके आप इशू एंट्री को एज पर द रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के मॉडिफाई इशू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।